प्यूडीपाई प्यूडीपाई प्यूडीपाई, आखिर कौन है ये प्यूडीपाई? साला कान पक गया इसका नाम सुन सुनकर, कौन है ये प्यूडीपाई? और हद तो ये है कि हमारे ही कुछ अपने यूट्यूबर्स इसको महिमा मंडित करने में लगे हैं, जबकि ये स्वीडन का है। कौन है, इसकी औकात क्या है, कितने सब्सक्राइबर हैं इसके, बताओ बताओ। 80 मिलियन। अरे तो क्या हुआ, मेरे कितने हैं जल्दी बताओ। अरे बताओ ना बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। अरे रहने दो यार, कोई और बात करते हैं, हम तो कोई और बात करते हैं। अगर सब्सक्राइबर के मामले में देखें तो इसके सब्सक्राइबर और मेरे सब्सक्राइबर में उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन पर पड़े हुए सबसे छोटे बारीक कंकर में। छोड़ो 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 छोड़ो, इस टॉपिक को छोड़ो, कोई और बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे YouTube पर चल रहे बहुत घमासान की, जो चल रहा है प्यूडीपाई वर्सेस सुपर कैसेट्स। क्या हुआ, सुपर कैसेट नहीं समझे? अरे भाई, गंगाधर ही शक्तिमान है और ये सुपर कैसेट ही टी सीरीज है। तो हम आज बात करेंगे इसकी, इनके बीच सब्सक्राइबर की काउंट को लेकर जो युद्ध चल रहा है उसकी हम आज बात करेंगे। प्यूडीपाई बोले तो दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर, मैं भी इसकी एक बात का बहुत बड़ा फैन हूँ कि ये एक इंडिविजुअल यूट्यूबर है। बोले तो ये स्क्रिप्ट एडिटिंग एक्टिंग डायरेक्शन सब काम अकेले ही करता है। क्या मैंने देखा क्या? नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा। वीडियो तूने देखा क्या इसको ऐसा करते हुए? नहीं देखा। अजी सुनती हो जी, आपने देखा इसको ऐसे करते हुए जी? नहीं देखा। अरे जब किसी ने नहीं देखा तो हम कैसे माने कि ये एक इंडिविजुअल यूट्यूबर है? YouTube से इतना सारा पैसा कमा रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी बैकअप टीम हो। पॉइंट तो है, खैर हमें क्या, ये अकेला हो या सबके साथ, हमें तो बस करनी है अपनी बात। पर क्यों ये टी सीरीज को बीच में लाया? लड़ाई को तो इसने खुद ने शुरू करवाया। चाहता था ये ड्रामा क्रिएट करना और सब्सक्राइबर की संख्या में नंबर वन बनना। अरे मोटू पतलू को भी ये बीच में लाया और इसके जरिए सब्सक्राइबर के काउंट को आगे बढ़ाया। पर बात जब इंडिया पे आई तो इंडियंस ने इसको इसकी औकात याद दिलाई। भाई तू इंडिया की बड़ी हुई जनसंख्या की बात करता है, पर इसके लिए तेरा तरीका बहुत गंदा है। रहता तो स्वीडन में है, शायद इसी के घमंड में है। विकसित देशों में आता है स्वीडन, बोले तो इसी बात पे कर दूं तेरा मुंडन। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारे यहां जनसंख्या कम है इसलिए तुम में दम है, पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात कहूं तो तुम वर्ल्ड में 11वें नंबर पर आते हो, जबकि हम 140वें नंबर पर। पर हमने कभी ये नहीं कहा कि इसका रीजन ये है कि तुम्हारे यहां बहुत से गे हैं, क्या समझे? इतने बड़ी लैंड में सिर्फ 10.2 मिलियन रहते हो, तभी तो हर चीज में बड़ा हिस्सा लेते हो। अब अगर एक एप्पल की मैं बात करूं, इसको दो हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूं तो सबके बड़ा बड़ा हिस्सा आएगा, पर इसको 100 हिस्सों में डिवाइड करूं तो सबके छोटा छोटा हिस्सा आएगा। पर हम इंडियंस वो छोटे छोटे हिस्से को लेकर भी खुश रहते हैं। जब हम नहीं करते तुम्हारी जनसंख्या पर बात तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज? टी सीरीज को नंबर वन यूट्यूबर बनाने के पीछे तुमने हमारे देश की 1.3 बिलियन जनसंख्या का योगदान बताया। चलो कोई नहीं, इसने तुम्हें हमारी जनसंख्या की ताकत का एहसास तो कराया। नहीं होती है ये हर टाइम घातक, कभी कभी बन जाती है ये ताकत। दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स हमारे अपने देश में हैं, हम भी इस चीज का फायदा उठाएंगे और अपनी टी सीरीज को जिताएंगे। चलो ये तो एक कंपनी है, अपनी पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर अभी तो तुमको कई इंडिविजुअल इंडियन यूट्यूबर धूल चटाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं तुम्हारे उस डिस्ट्रैक्ट की जिसके पीछे इतना हंगामा हुआ पड़ा है। क्या थे उसके बोल, क्या टैगलाइन थी? बिच लज़ानिया, तुमने ये वर्ड यूज में किया है। इसके लिए तो ज्यादातर लोगों को मुझे भी गूगल देवता की मदद लेनी पड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि बिच तो समझ में आता है पर बिच लज़ानिया क्या है? दोस्तों आप भी देख लीजिए उसका मीनिंग क्या मिला मुझे, देखिए। मतलब क्या है यार ये, कुछ भी, मतलब कुछ भी जोड़ के डिस्ट्रैक्ट बना लेते हो तुम लोग। ये तो वही बात हो गई, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो बात कर लेते हैं हम लैंग्वेज की। एक बार आओ पधारो आप हमारे इंडिया में, तब पता चलेगा आपको कि ये हिंदी कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज। इंग्लिश में तो लोग यू को यू ही बोलते हैं,
हिंदी में अगर हमको आदर सहित बोलना हो तो आप हो जाता है, और तुम जैसों के लिए हम बोलते हैं तू, समझा? और तुम ये बोल रहे थे ना कि हम इंडियंस मंबल्स करते हैं, यानी बुदबुदाते हैं धीरे 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 धीरे। अरे एक बार अगर तूने असली इंडियन की आवाज सुन ली ना, तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि पैंट में ही सुसु कर देगा तू। अरे सुनाओ रे इसको, सुनाओ कोई सनी पाजी की आवाज सुनाओ इसको, चलाओ रे सनी पाजी का। तो एंड में मुझे बस इतना ही कहना कि तू तेरी औकात में ही रहना। तो इंडियंस आ जाओ जोश में, इसको लाओ होश में, टी सीरीज को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करो और पीडीपी को अनलाइक करो, अपनी पॉपुलेशन की ताकत दिखाओ और यूट्यूब का राजा टी सीरीज को बनाओ। और साथ में मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे भी सब्सक्राइब करो भाई लोगों, इस अदने से यूट्यूबर्स ने नया चैनल ये जो खोला है इसको सब्सक्राइब करो और इसका हौसला बढ़ाओ, और ये जो घंटी दिख रही है बेल आइकॉन इसको प्रेस करो और जय श्री राम बोलो, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। प्लीज सब्सक्राइब मी, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।